दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक अहम और समझने में मुश्किल बीमारी गैस्ट्राइटिस के मुख्य कारण पर बात करेंगे। गैस्ट्राइटिस का जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है एक बैक्टीरिया, लेकिन गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण हमेशा से फ्राइड फूड, जंक फूड, तेज मसालेदार भोजनों को ही माना जाता है। और अगर आपको तला भुना भोजन छोड़ने के बाद, फ्राइड भोजन छोड़ने के बाद, फैटी भोजन छोड़ने के बाद भी गैस बनती है, गैस्ट्राइटिस है, पेट दर्द होता है, तो आप ये मान के चले कि आपको भी बैक्टीरियल गैस्ट्राइटिस है। तो आज इस वीडियो में हम उसी बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, किस तरीके से वो आपके शरीर को प्रभावित करता है, कैसे वो गैस्ट्राइटिस डेवलप करता है, और किस तरीके से आप इस बैक्टीरिया के नुकसान से या जो गैस बनती है, गैस्ट्राइटिस की बीमारी पैदा हो जाती है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, थोड़ा डिटेल में गैस्ट्राइटिस और इस बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो गैस्ट्राइटिस का सबसे बड़ा कारण होता है, उसको एच पाइलोराई के नाम से जाना जाता है। एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो है वो आपकी स्टमक की लाइनिंग के अंदर बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है, और ये इवन स्टमक के अंदर जो एसिडिक मीडियम होता है, ऐसी हार्श कंडीशंस में भी अपने आप को बचा के रखता है और जीवित रहता है। तो सोचिए कि कितना खतरनाक बैक्टीरिया है कि जहां पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में होता है, उसके बावजूद भी ये बैक्टीरिया आसानी से नहीं मरता है और बार बार आपको तंग करता है, जिससे बहुत ही खतरनाक गैस्ट्राइटिस वाले या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के सिम्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए जब आप बहुत कुछ खाने का परहेज भी करते हैं, बहुत सारी दवाइयां भी खाते हैं, मगर आपको गैस की बीमारी ठीक नहीं होती है और गैस्ट्राइटिस लगातार बढ़ता रहता है, उसका कारण यही बैक्टीरिया होता है। अब ये होता कैसे है? जब ये बैक्टीरिया म्यूकस लाइनिंग्स में चला जाता है, स्टमक की या म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है, तो हमारे जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको एक रेस्पॉन्स मिलता है कि देखिए वहां पर एक दुश्मन आके बैठ गया है, उसको किल करना है। और उसको किल करने के लिए जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स लेके आता है स्टमक की लाइनिंग के अंदर, जिससे वो कोशिश करता है कि बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मजबूत है, मगर उसके कारण जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है उनके अंदर और ज़्यादा सूजन होने लगती है, और बार बार जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो आपकी स्टमक की लाइनिंग्स में या पेट के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक इरोजन्स होने लगते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, फिर इरोजन्स होते हैं, और इवन कई बार जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। और अगर अल्सर डेवलप हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टमक पेन, सीवियर पेन एब्डोमेन भी होने लगता है। अब जैसे आपने बात की कि भाई गैस्ट्राइटिस के जो लक्षण है इसके भी वैसे ही लक्षण होंगे, चाहे वो खाने पीने की गैस्ट्राइटिस हो, चाहे ये बैक्टीरिया के कारण गैस्ट्राइटिस हो, उसके लक्षण एक जैसे ही होंगे। पेट दर्द होना, गैस बनना, खट्टी डकारे आना, उल्टी का मन करना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण आने लगे तो फिर होता है कि अब आप कैसे पहचाने कि आपको ये एच पाइलोराई के कारण गैस्ट्राइटिस हुआ है या सिंपली आपकी खाने पीने की आदतों की वजह से हुआ है। तो एक तो सिंपल यही टेस्ट है कि आप अगर अपना भोजन की आदतें बदल देते हैं, आप तला भुना भोजन नहीं खाते हैं, बहुत देर तक भूखे भी नहीं रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका जो गैस्ट्राइटिस है वो ठीक होने लगता है। लेकिन अगर दवाइयां खाने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा, ये सारा परहेज करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो पहली तो यही जाँच होती है। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ब्रीड टेस्ट भी होता है, और एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है, उससे एक पता लग जाता है कि आपके स्टमक की लाइनिंग के अंदर ये एच पाइलोराई बैक्टीरिया छुपा तो नहीं बैठा है। जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि भाई आपको जो गैस्ट्राइटिस है वो एच पाइलोराई के कारण है, तो फिर आपको जो इसका इलाज है वो आसान हो जाता है। इलाज के लिए देखिए, इसमें एक कुछ खास किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दवाइयाँ जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एच पाइलोराई को ठीक करने के लिए कुछ किट्स आती हैं, और बहुत लंबा इलाज नहीं होता है। हाँ, अगर डायग्नोसिस समय पर हो जाए तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण हैं, आपको लगातार गैस बनती है, गैस्ट्राइटिस है, और वो किसी भी दवाई से आपको ठीक नहीं हो रही है, तो फटाफट आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। बेहतर होगा कि किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे वो पूरी तरीके से जांच कर ले, और अगर ज़रूरत हो तो आपको एंडोस्कोपी भी करके देख ले। एक बार अगर आपका इलाज शुरू हो जाएगा तो आपको इन सारे लक्षणों से, इसके होने वाले नुकसानों से निजात मिल जाएगी, आपको राहत मिल जाएगी, और आपकी ये बीमारी जाती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें, शेयर भी करें बाकी लोगों को, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।